बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में उपसमुच्चय, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, उपसमुच्चय और घात समुच्चय का एग्जाम्पल दिया था। दोनों क्या होते हैं उसके बारे में पूर्ण रूपेण मैंने आपको जानकारी दी थी, ठीक है। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, अंतराल के बारे में, ठीक। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 आप जब लगाएंगे, ठीक है, तो सॉरी एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक। एक्सरसाइज एनसीईआरटी 1.3 में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब अंतराल, अंतराल क्या होता है उसके बारे में बताएंगे और अंतराल का प्रयोग कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सामान्य तौर पर बच्चों अंतराल दो प्रकार के होते हैं, एक बंद अंतराल और एक खुला अंतराल। जरा पहले आप अंतराल के बारे में समझ लें, तब देखिएगा। अंतराल, इसको इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से आपको दो इंटरवल है, पहले खुला ही पढ़ लें, खुला अंतराल, दूसरा है मेरा बंद अंतराल। इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं, इसे क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, ठीक। इसे छोटे ब्रैकेट से दिखाते हैं बेटा, छोटे ब्रैकेट बना करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया ए कॉमा बी। अंतराल में बच्चों जो सबसे छोटी राशि होती है वो बाई ओर लिखी जाती है, जो बड़ी राशि होती है वो दाई ओर लिखी जाती है, इसका बात ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से इस अंतराल में भी बड़ा ब्रैकेट यूज होता है बेटा, और छोटी राशि बाई ओर और बड़ी राशि दाई ओर लिखी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मेरा खुला अंतराल है बेटा और ये मेरा बंद अंतराल है। मैं इन दोनों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये प्रयोग कैसे होते हैं, ठीक है, मैथ में इनका यूज क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये लिख दिया है, जरा इसका मतलब समझिएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स एक अवयव है, एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी। जरा इसको आप समझा बढ़िया से, एक्स बिलोंग टू क्या, ए कॉमा बी, इसका ए मतलब होता है। यदि कैसे कभी ऐसा लिखे आपको मिले एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी, तो आप तुरंत इसका मतलब होता है एक्स का मान बी से छोटा होता है और एक्स का मान ए से बड़ा होता है। एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी, कभी आप ऐसे लिखा मिल जाए आपको, ए सबसे छोटी संख्या होती है, बी यहाँ पे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। एक काम यहाँ पे भी देखते हैं, यदि आपको ये मिल जाए एक्स बिलोंग टू, ये लबरे अंतराल लिखा, कौन सा अंतराल, बंद अंतराल आपको दिखा, ठीक, ये मिला। इसका मतलब होता है जरा देखिए, एक्स, ये जो एक्स है उसका मान क्या बी से छोटा या बराबर या ए से बड़ा या बराबर। बच्चों इन दोनों में देखिए क्या अंतर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बराबर का अंतर मिलेगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे बराबर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बराबर लगा हुआ है। इसका ये मतलब होता है बच्चों, मैं आपको बता दूँ, एक्स का मान ए के बराबर नहीं है, एक्स का मान बी के भी बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ एक्स का मान ए के भी बराबर है और एक्स का मान बी के भी बराबर है। जैसे आपके सामने मैं एक दो एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, जरा ये देखें, ऐसे लिख दिया जाए कि एक एग्जाम्पल देखें आप, एक्स बिलोंग टू 3.5। इसका मतलब सो छोटी संख्या, याद रखिएगा अंतराल में हमेशा छोटी संख्या बाईं ओर होती है बेटा और बड़ी संख्या दाईं ओर। कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये रॉन्ग है, 5.3 ये मेरा अंतराल नहीं है, ये मेरा अंतराल नहीं है, बड़ा कभी भी बाईं ओर नहीं होगा, हमेशा बड़ी संख्या, अरे सॉरी छोटी संख्या बाईं ओर होगी और बड़ी संख्या दाईं ओर होगी। ये एक बिंदु हो सकता है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु हो सकता है, लेकिन ये अंतराल नहीं है। अंतराल होता तो ये लेफ्ट वाला अवयव छोटा होता और राइट वाला अवयव क्या होता हमारा, बड़ा होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे इसका क्या मतलब है, इसका बेटा ये मतलब है, इसका मतलब है एक्स का मान
एक्स का मान 5 से कम है और किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, इसका ये मतलब हुआ। यहाँ भी एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल मैंने दिया तो जैसे लिखा एक्स बिलोंग टू क्या 3.5, इसका मतलब है एक्स का मान 5 के या तो बराबर है या तो 5 के बड़ा है, एक्स का मान 5 से छोटा है या तो 5 के बराबर है, एक्स का मान या 3 के बराबर है या तो एक्स का मान 3 से बड़ा है। देखिए एक्स का मान 3 से, ध्यान सुनिएगा इसका मतलब समझिए, एक्स का मान 3 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, 5 तक जाता है। यहां पर एक्स का मान 3 से स्टार्ट नहीं होता बच्चों, 3 से स्टार्ट नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको समझिएगा, मैंने कहा 1 से 100 तक गिनती लिखिए, 1 से 100 तक गिनती लिखिए, तो आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे जरा बताइएगा। आप 1 से 100 तक की जब गिनती लिखेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 100 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5 से ऐसे करके लिखेंगे। और यदि मैंने बोल दिया 1 से 100 तक, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याएं, की संख्याएं, चलिए मैं ऐसा लगा दिया, ठीक है। बच्चों एक बात याद रखें, इसके बीच दसमलव वाले नंबर भी आएंगे, दसमलव 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये सब भी आएगा। 0.1 का मतलब सॉरी हुआ, 1 से 100 तक 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे ये सब आएंगे, दसमलव वाले भी संख्या आएंगी, ठीक। 99.9 भी आएगा, 99.99 भी आएगा इसके बीच। वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक, लेकिन मैंने लिख दिया, यहाँ देखिए जरा, 1 और 100 के बीच, ठीक बेटा। अब ये संख्या, इसका मतलब हुआ 1.100, इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि हमारा ऐसे लगाएंगे बेटा, इस ब्रैकेट का ये मतलब हुआ कि एक्स यहाँ पे जो मेरा ये मान है, ये गिनती है, ये ना जब भी आप इसको लिखेंगे तो इसमें 1 नहीं होगा और 100 नहीं होगा। 1 और 100 को छोड़ दीजिए, 1 के ठीक बाद क्या आएगा, 1 दशमलव। बच्चा आज तक मैं बता दूँ, कोई नहीं बता सकता कि 1 के बाद ठीक दसमलव वाली कौन सी संख्या, कोई बता ही नहीं सकता, अनंत तक है ना तो कौन बताएगा। जैसे कि मैंने कहा कि 1 के बाद, कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 के बाद मेरा ये है 1.1, ये गलत है बेटा, 1 के बाद वो नहीं, मैं कहूँगा ये है, कुछ बच्चे कहते नहीं सर ये है, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर ये है, कोई कहेगा बताइए। तो 1 के बाद दसमलव वाली संख्या बता नहीं सकते, अब चाहे जितना 0 लगाएंगे वो 0 लगता जाएगा, इसलिए मेरी बात को याद रखिएगा। तो 1 के तुरंत बाद वाली संख्या आप दसमलव वाली नहीं बता सकते, हाँ पूर्णांक संख्या बतानी तो बता देंगे, 1 के बाद पूर्णांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। आइए तो 1 और 100 के बीच, इसका मतलब ये हुआ इसमें 1 भी अनुपस्थित है, 100 भी अनुपस्थित है, 1 और 100 के बीच जो संख्या है वह उपस्थित है। तो इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगेगा बच्चों, तो इसका मतलब होता है ठीक खुले अंतराल में इन दोनों टर्मिनल्स को, ये टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल के अवयवों को जो अंत बिंदु हैं उनको छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर अंत बिंदु को लिया जाता है। यहाँ पर गिनती 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाएगी, और यहाँ पर गिनती 1 और 100 के बीच की संख्या आएंगी बच्चों। तो ये दोनों में अंतर है, आप अंतराल को समझ गए होंगे, ठीक है। अभी जरा देखिएगा, अभी मैं कोई इस पर एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। निर्माण विधि में, ध्यान सुनिएगा, निर्माण विधि में कुछ समुच्चय लिखा होगा, निर्माण विधि में लिखे समुच्चयों को अंतराल में बदलना है, ठीक। इसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं बेटा मेन, निर्माण विधि में कुछ समुच्चय लिखे रहेंगे उनको किसमें अंतराल में बदलना होगा और अंतराल को निर्माण रूप में बदलना होगा। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। आइए जरा देखते हैं कैसे लगाते हैं हम इसे। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, एक हेडिंग है आप लिख लीजिए, और वैसे भी मैं बोर्ड लिखूंगा ही, ठीक है। वो हेडिंग ये है, निर्माण रूप में लिखे समुच्चय को अंतराल में परिवर्तित करना। ध्यान सुनिएगा, निर्माण रूप में लिखे समुच्चय को
ठीक, अंतराल में परिवर्तित कर रहा हूं। तो आई थिंक देखिए मैं लिख रहा हूं ये, निर्माण रूप में लिखे समुच्चयों को अंतराल में बदलना। चलिए आपके सामने समुच्चय दे देगा और उसका अंतराल रूप में लिख दूंगा, देखिएगा। पहला यह दे दिया है x such that x belongs to R, comma x less than or equal to 5, greater than or equal to minus 3। देखिएगा इसको अंतराल में बदलना बच्चों, जरा दूसरा इसको देखिए, x such that x belongs to R, यहां R का मतलब वास्तविक संख्या है, यहां R का मतलब कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है, x का मान वास्तविक संख्या बच्चों में लेनी है, x belongs to R, comma, जैसे मैंने लिख दिया माइनस लेस देन एक्स लेस देन टू। आइए तीसरा एग्जांपल देखता हूं मैं आपको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक, लेस देन फाइव। याद रखिए बच्चे छोटे नंबर लेफ्ट होंगे, बड़े नंबर राइट होंगे। चौथा एग्जाम्पल, x such that x belong to R, one less than x less than or equal to 8। ये है, मैंने चार लिखा बच्चों। एक बात याद रखिएगा बच्चों, छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट होगा और बड़ा नंबर हमेशा राइट। आइए इसको मैं अंतराल, ये मेरा किस रूप में लिखा है, ये मेरा लिखो, कुछ करना नहीं है, बड़ा आसान इसका आंसर है, ठीक है। इसका सलूशन देखिए, मैं इसका सलूशन बता दे रहा हूँ आपको, सलूशन तो मुझे सबका ही बताना है आपको वैसे, ठीक है। तो मैं राइट साइड इसका सलूशन ऐसे बता दे रहा हूँ बच्चों कि कैसे आपको लिखना है, जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन था मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सलूशन फर्स्ट, सोल्यूशन क्या फर्स्ट, हमारे पास क्या दिया है, सेंस क्या दिया है, माइनस थ्री लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू फाइव। बस मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, इन दोनों में पहले देखिए छोटा नंबर कौन सा है, माइनस तीन या पांच, बताइएगा जरा, पांच लग रहा है आपको, नहीं ना, माइनस तीन, तो जो छोटा है उसको पहले लिखिए, जो बड़ा है उसको माइनस तीन कॉमा पांच लिख लिया, ठीक। बस अब देख लीजिए इक्वल टू है कि नहीं, यदि इक्वल टू लगा है तो बंद अंतराल, इक्वल टू नहीं लगा है तो खुला अंतराल। आइए देखिए, पांच पर इक्वल टू लगा है, देखिए बराबर का चिन्ह है, कौन सा अंतराल, बंद अंतराल, ठीक है। आगे आइए इसकी बात करते हैं, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी बराबर लगा है, यदि बराबर यहां भी लगा है तो यहां भी मेरा क्या होगा, बंद अंतराल होगा। हो गया बेटा, तो माइनस थ्री कॉमा पांच, पांच माइनस थ्री और पांच बंद अंतराल लगेगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है इसलिए कौन सा अंतराल लगेगा, ठीक, बंद अंतराल लगेगा, ठीक। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया है सेंस जीरो, सॉरी दूसरा दिया है माइनस टू, देखिएगा लेस देन एक्स लेस देन टू है आपके सामने। आइए देखते हैं अब x, अब इन दोनों में बेटा पहली बात की वो लिख लें जो छोटा है वो लेफ्ट और जो बड़ा है वो उसको राइट, माइनस टू जरा देखिएगा क्वामा, तो छोटा लेफ्ट हो गया बड़ा राइट हो गया, लिख लिया। आइए अब हम अंतराल लगाते हैं, अंतराल में देखिए कहीं बराबर का चिन्ह नहीं है, कहीं बराबर का चिन्ह, नो टेंशन, देखिए लगाइए, बात खत्म, इधर भी खुला अंतराल इधर भी खुला अंतराल,
इसका मतलब x का मान माइनस दो और दो के बीच में है, लेकिन इसका मतलब यहाँ x का मान माइनस पांच से स्टार्ट हुआ और प्लस पांच तक गया है। ठीक, थर्ड देखते हैं, सेंस जीरो लेस देन और इक्वल टू x लेस देन फाइव। बच्चों इसको देखते हैं, छोटा लेफ्ट बड़ा राइट, जीरो कॉमा फाइव। ठीक, अब देखिए पांच पर खुला अंतराल लगेगा क्योंकि बराबर नहीं है, पांच पर खुला लग गया, लेकिन देखिए यहां पर जीरो पर बराबर लगा हुआ है, एक्स बराबर जीरो भी है यहां, एक्स का मान जीरो के बराबर भी बेटा, तो यहां क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल सा काम बेटा, यदि बराबर लगा है तो बंद अंतराल ही लगेगा, याद रखिएगा बराबर होगा तो बंद अंतराल, क्योंकि सर आपने तो ये बताया ही नहीं, ये क्या है, इधर बंद लग गया उधर खुला लग गया, बेटा कोई बात नहीं है, ये जो अंतराल आप देख रहे हैं मैंने बताया नहीं, ठीक, ये वास्तव में बंद और खुला दोनों से मिलके बना है, इसीलिए इस अंतराल को हम कहते हैं आधा खुला आधा बंद अंतराल। ठीक, या आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ये क्या है, आधा बंद आधा खुला अंतराल, इसको सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन कहते हैं, आधा बंद तथा आधा खुला। ठीक है, याद रखे, ये भी अंतराल, ये बना कैसे था, उन्हीं दोनों से बना था, इसलिए मैंने उसको अब नहीं बताया कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया चौथा, तीसरा सॉरी तीसरा, जीरो कॉमा पांच। आइए अब मैं आपको चौथा भी बता दे रहा हूं, यही लगे चौथा, जरा देखिएगा क्या आंसर आपके सामने, सेंस वन लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू एट। मेरी बातों को बड़ा ध्यान सुनिए खाली, सबसे छोटा नंबर पहले, सबसे बड़ा नंबर बाद में, लिख दिया। अब यहां पर देखिएगा क्या है, यहां ये देखिए, यहां पर हमारा बंद लगेगा और यहां वन पे हमारा खुला लगेगा, इसको बोलते हैं आधा खुला आधा बंद अंतराल, इसे क्या बोलते हैं, आधा खुला, पहले खुला है इसलिए आधा खुला तथा आधा बंद अंतराल। और ये वाला मेरा कौन सा था, ये आधा बंद तथा आधा बंद तथा आधा खुला अंतराल। तो बच्चों अंतराल कैसे लगाते हैं आपको तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि कहां ओपन होगा और कहां क्लोज होगा इस एग्जाम्पल से। ठीक है, और मैंने किया क्या है, देख लें, निर्माण रूप में लिखे समुच्चयों को अंतराल में मैंने क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें एक चीज, एक बेटा भी मैंने जो आपको बताया, इसमें एक चार एग्जाम्पल मैंने दिया, अभी एक दो और बाकी हैं। ठीक, एक दो मैं और दे दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, जरा देखिएगा, जगह नहीं थी मेरे पास इसलिए भी मैंने बताया नहीं आपको, जरा देखिएगा, ये तो आप समझ ही गए हैं आसानी से, आप सोच रहे होंगे कि सर हमको समझ में आ गया, आगे बताने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी भी मुझे बताने की जरूरत है। आप देख लीजिए पांचवा धारा देखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन ये दीजिए आपके सामने, x such that x belong to real number comma ऐसे लिख दिया, सिक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू x ग्रेटर देन माइनस टू। अब बताइए इसका आंसर क्या देंगे आप, बोलिए आप, जरा देखिए ऐसे दे दिया, ठीक, तुरंत मैं इसका आंसर ही बता दे रहा हूं, सिंस ये क्या लिखा है, सिक्स लेस देन, ठीक है ऐसे लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन कितना माइनस टू, लगाना बड़ा आसान है बेटा, मैंने आपको बताया था शुरू, मैंने एक बात बोला था आपको कि हमेशा बड़ी संख्या दाहिनी ओर, छोटी संख्या बाईं ओर होनी चाहिए। अब बस इसमें यह देख लीजिए छोटा और बड़ा कौन सा है, छोटा है माइनस टू बड़ा है सिक्स, तो क्या करेंगे आप, छोटे को बाईं ओर लिखिए माइनस टू कॉमा क्या बड़े को दाहिनी ओर सिक्स, देखिए छह पर क्या लगा है, बराबर लगा है, बंद कर दीजिए, एक्स माइनस दो पर बराबर लगा है नहीं खुला कर दीजिए, यह क्या हो गया, आधा खुला तथा आधा बंद अंतराल हो गया। तो एक एग्जाम्पल ये बच्चों पता था बचा था, ये भी मैंने आपको बता दिया, तो यह इस तरीके से भी लिखा जा सकता है बच्चों, और ऐसे भी दोनों तरीके से दिया जा सकता है,
कैसे भी दे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि जो छोटी संख्या है उसे बाईं ओर लिखिए, जो बड़ी संख्या उसको दाहिनी ओर लिखिए, अंतराल लगाइए, बस सिंपल है ये, तो इसे आप कर लेंगे। अब बेटा मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जानते हैं क्या, अब इसी का उल्टा, अंतराल दिया रहेगा, अब आप खुद कर लेंगे, क्या दिया रहेगा, अंतराल दिया रहेगा, और आप उसे क्या करेंगे, अंतराल को आप निर्माण रूप में बदलेंगे। तो देखिए अब ये हेडिंग डाल लीजिएगा, देखिए मैं मिटा दे रहा हूं, इसके बाद ये हेडिंग देखिए, देखिए कि बच्चों अब देखा, अंतराल को निर्माण समुच्चय में, देखिए उल्टा हो गया, क्या दिया रहेगा यहां से आपको, आपको अंतराल दिया रहेगा बच्चों, क्या दिया रहेगा, अंतराल, अंतराल को आप किसमें बदलेंगे, निर्माण बदलेंगे, ठीक है ना। जरा देखिएगा एग्जांपल, बहुत सिंपल है, जैसे अंतराल दे दिया आपके सामने, जैसे दे दिया -2.8, दूसरा दे दिया 0.9, तीसरा दे दिया -3.5, चौथा दे दिया -3.-1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, छोटा हमेशा बाईं होता है, बड़ा हमेशा दाहिनी है, -3 छोटा है, -1 बड़ा है। पांचवा मैं दे देता हूं आपको, कर लेंगे बच्चों, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ये मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया यहां पे, आइए कैसे लिखेंगे इसे आप, सॉल्यूशन लिखना सीखिए, एक्स लेना पड़ेगा, निर्माण रूप विधि में यदि आप लिखते हैं, निर्माण विधि में आप कभी भी किसी भी समुच्चय को बदलेंगे बच्चों, तो निर्माण विधि में जब भी आप किसी भी समुच्चय को बदलेंगे उसके लिए मुझे चर राशि एक्स यानी कि गुण रूप में लिखना है, तो आवश्यकता पड़ेगी। पहला सेंस, पहला क्या दिया आपके सामने, देखिए कैसे लिखेंगे आप इसे, जैसे जैसे लिख दिया -2.8, लिखिए सेंस, हटाइए डायरेक्ट, समुच्चय लिखना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, लिया हो गया, फिर क्या, ये देखिए एक्स लेस देन 8 ग्रेटर देन -2, देखिए बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा, क्यों बराबर नहीं लगेगा आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि बराबर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ कौन सा अंतराल है, खुला अंतराल है, और खुला अंतराल में हम बराबर का प्रयोग नहीं करते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए दूसरा आते हैं हम, क्या दिया है 0.9 दिया बेटा, देखिए 0.9 पे बंद है, ध्यान दीजिएगा इसको क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा टेक, ये छोटा वाला 0 लेस देन एक्स और क्या लेस देन आर इक्वल टू 9, लीजिए बंद हो गया, ओह ठीक, करली ब्रेस लगेगा ना, ठीक, तो कॉमा देखिए एक्स का मान 0 से बड़ा है और लेकिन 9 से बराबर भी है, 9 से छोटा भी है, देख रहे हैं आगे आपके सामने। दूसरा तीसरा देख लें आप, देखिए तीसरा -3.5 कितना दिया हुआ है इसने, -3.5, आइए तो लिखेंगे क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा -3 > x = 5, हो गया, मैंने तीसरा भी लिख दिया बच्चों आपके सामने। चौथा देख लें, ये तीन मैंने आपको बता दिए हैं,
ठीक है, इनमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा इसको कैसे लिख देंगे, जैसे पहले दिया था बच्चों उसी तरीके से ये भी चल रहा है। ठीक है, तो अब अंतराल को किसे बदलना है, निर्माण समुच्चय में। निर्माण समुच्चय में देखिए मैंने तीनों को बदल दिया बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा। देखिए बाप मेरे पास दो बज गए हैं, दोनों देख लें आप। चौथा देखें कितना दिया है, सेंस -3, -1 दिया है। ध्यान से लिखिएगा इसको, यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो लिखेंगे x such that x belongs to R, पहले -3 लिखिए, -3 बंद अंतराल है तो क्या लगाएं, इक्वल टू x, फिर क्या -1। बताइए यहाँ पर बराबर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा अंतराल है, खुला अंतराल है। ठीक, याद रखिएगा। पांचवा देखें आप क्या दिया है, सेंस 0.8 दिया, 8 पर बंद, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा x such that x belongs to R, 0x < 8, इक्वल टू पर बंद अंतराल 8 पर बंद अंतराल था इसलिए बराबर का चिन्ह लगेगा। बस बच्चों हो गया। तो आज अब मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि निर्माण को, अभी इससे पहले था निर्माण को अंतराल में बदलना, अब दोबारा बता दिया अंतराल को निर्माण में बदलना। ठीक है, बच्चों अब मैं आपको दो समुच्चयों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी कि अब मैं एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाने जा रहा हूं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाने जा रहा हूं, सॉरी बच्चों 1.4 पढ़ाने जा रहा हूं, इससे पहले 1.3 मैंने बताया था जिसमें कि मैंने आपको निर्माण में रूप में लिखे अंतराल को बदला था, किसमें निर्माण रूप में जो लिखा था समुच्चय उसको बदला था अंतराल में बच्चों। ठीक है, इस तरह से मैंने पढ़ा था आपको। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्या, अब मैं स्टार्ट करता हूं आपके सामने दो समुच्चयों का संघ। बेटा पहले मैं दो समुच्चयों का संघ बताऊंगा, फिर दो से अधिक समुच्चयों का संघ बताऊंगा। तो पहले दो समुच्चयों का संघ होता क्या, संघ क्या होता है पहले ये तो समझ लें। तो संघ को अंग्रेजी में यूनियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनियन। ठीक है, फिर देखिएगा हेडिंग डालिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको दो समुच्चयों का संघ, दो समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ टू सेट्स। बच्चों पहली बात कि यूनियन होता क्या है, संघ होता क्या है। ठीक, संघ को एक शब्द और हम बोलते हैं, सम्मिलन भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए पहले दो इसको हम पढ़ लें। ठीक है, यदि दो समुच्चय, ध्यान देखिएगा, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हो तो इन दोनों समुच्चयों के संघ को ए यूनियन बी, ये यू की तरह बच्चों ये साइन है, ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए यूनियन बी पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, इसे बेटा ए यूनियन बी पढ़ा जाता है। अब कहोगे सर हमने ये तो बताया ना इसकी परिभाषा दी नहीं, बता दिया कि इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, पहले जो ज्यादा आवश्यक था मैंने वो बताया कि देखिए ये करता क्या है, ए और बी दोनों को यूनियन संघ छोड़ देता है एक तरीके से। ठीक है, इसलिए इसके संघ बोला गया। ठीक है, ये तो देखिएगा, तो ये होता क्या है, इसमें करना क्या है, सुनिएगा बच्चों। ए यूनियन बी, ए एक समुच्चय होगा, बी एक दूसरा समुच्चय होगा। ठीक, ए में कुछ अवयव होंगे, बी में भी कुछ अवयव होंगे, ध्यान सुनिएगा। तो ए यूनियन बी में कितने अवयव आएंगे और कैसे होंगे, पहली बात। ठीक,
तो ए में कुछ अवयव हैं, दो समुच्चय है, समुच्चय ए में कुछ अवयव होगा और समुच्चय बी में भी कुछ अवयव होगा हमारे पास। तो ए यूनियन बी में कौन से अवयव आएंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ए यूनियन बी में, ए भी एक मेरा समुच्चय है, ठीक। ए यूनियन बी हमारा क्या, एक समुच्चय है। वो कैसा है सुनिए, ए यूनियन बी में बच्चों ए का भी पूरा पूरा अवयव आएगा। ए के सारे अवयवों को किसमें लिख दिया जाएगा, ए यूनियन बी में, और बी के भी सारे अवयवों को लिख दिया जाएगा ए यूनियन बी में। कहने का मतलब ए यूनियन बी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ए का भी प्रत्येक अवयव आएगा, बी का भी प्रत्येक अवयव आएगा, ठीक है ना। ए का भी प्रत्येक अवयव आएगा और बी का भी प्रत्येक अवयव आएगा। बस क्या नहीं आएगा वो ध्यान सुनिएगा, इन दोनों अवयवों में जो उभयनिष्ठ होगा वह केवल एक बार आएगा। जैसे सुनिएगा, जैसे कि समुच्चय ए में अवयव है 2, 4, 5, क्या ए में अवयव है 2, 4, 5, बी में है 5, 8, 9, तो 5 ए में भी है और 5 बी में भी है, तो 5 ए में भी है 5 बी में भी है, तो 5 दो बार नहीं आएगा, 5 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। यानी कि उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिखा जाता है, ठीक। ध्यान सुनिएगा, मैं लिख दे रहा हूं उसकी परिभाषा बेटा, मैं एक बार बोलता हूं एक बार लिखता हूं, जरूर ध्यान से सुनिएगा। दो समुच्चयों के संग, दो समुच्चयों के संग ए यूनियन बी में, बी में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव उपस्थित होता है, इसी प्रकार समुच्चय बी का भी प्रत्येक अवयव उपस्थित होता है। उपस्थित होता है परंतु उभयनिष्ठ अवयव केवल एक बार उपस्थित होता है, ठीक है। सुनिएगा, तो ए यूनियन बी, बच्चों मैंने जानबूझ के अपने शब्दों में लिखा है, बुक की तरफ नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ए यूनियन बी में ए का प्रत्येक अवयव होगा, बी का भी प्रत्येक अवयव होगा, लेकिन उभयनिष्ठ अवयव एक बार होगा। मैं ऐसे भी लिख सकता था छोटे में भी कि ए यूनियन बी में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव होगा, परंतु उभयनिष्ठ अवयव एक बार होगा। बस इतना काफी आपके लिए, एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं, इसके एग्जाम्पल क्या है, जरा इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। बच्चों ये कैसे पूछा जाएगा, एक एग्जाम्पल देखें आप, यदि ध्यान देखिएगा, यदि ए बराबर मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, तो देखिएगा एक मेरा बी है 7, 8, 9, 10, देखिएगा, तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ठीक। सेंस ए बराबर लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, कॉमा लगाएं, और बी बराबर भी लिख दें 7, 8, 9 और 10,
हो गया मेरे पास, ठीक है। आइए अब मैं निकालने जा रहा हूं ए यूनियन बी। देयरफॉर देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं, ए यूनियन बी बराबर ए का सभी हो लिखिए 1 2 3 4 5 हो गया। यूनियन लगाइए बच्चों, फिर 7 8 9 10। और अभी आप बोलेंगे हमसे कि सर आपने कहा था कि ए का सभी अवयव बी का सभी अवयव और उभयनिष्ठ अवयव एक बार, इन दोनों में समुच्चयों में आप देखिए मैंने जानबूझ के ऐसा किया कि एक भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं लिया। देखिए इसमें जितने अवयव हैं और इसमें जितने अवयव हैं, क्या कोई अवयव ऐसा है जो इसमें है और इसमें भी है? नहीं, दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। बेटा मैं दो एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक वो एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है उसका उत्तर क्या लिखेंगे, और दूसरा एग्जाम्पल मैं वो दूंगा जिसमें दोनों में अवयव उभयनिष्ठ मिलेंगे, तो जब उभयनिष्ठ मिलेंगे तो आप उसका उत्तर क्या देंगे, ठीक, और कैसे देंगे, ये भी बहुत जरूरी है। आइए ए यूनियन बी के बारे में बात करता हूं। देखिए ए यूनियन बी मेरा एक नया समुच्चय बनेगा, हम करेंगे क्या, सुनिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं जो कहता हूं उसे आप यहां से उठाइए, यहां से पहले अवयव से उठाइए और लास्ट अवयव तक पूरा का पूरा लिख डालिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, उभयनिष्ठ अवयव को एक बार लिखिएगा, क्योंकि एक रूल है समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव दो बार नहीं लिखा जाता, यदि वह किसी प्रकार दो बार आ जाता तो उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। तो हमारे कहने को बोला कि समुच्चय के अंदर जब भी आप इस बात को बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी अवयव दो बार नहीं होता, इसीलिए उभयनिष्ठ अवयवों को केवल और केवल एक बार लिखा जाता है, यह इसका रीजन है। आइए यहां से लेकर के यहां तक हम चलते हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक सारे अवयवों को लिख दीजिए। आइए मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 नहीं है मत लिखिए, 7 8 9 और 10। चलिए हो गया, ये मेरा आंसर हो गया बेटा, कुछ नहीं करना, देखिए ना, यानी कि समुच्चय इसकी परिभाषा हो गई बेटा, इसकी परिभाषा ये हो गई कि ए यूनियन बी दो समुच्चय का संघ क्या होता है, दो समुच्चय के संघ में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव उपस्थित होता है और उभयनिष्ठ अवयव एक बार होते हैं, ठीक है। आइए ये पहला हो गया, ये पहला एग्जाम्पल हो गया बच्चों, इसी में मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक। मैंने क्या किया, कुछ अवयव बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से मैंने बढ़ा लिया 3, ठीक, 7 और एक यहां बढ़ा लिया मैंने, चलिए देखिए। और अब मुझे क्या, देखिए बच्चों मैंने दूसरा एग्जांपल कर लिया, एक समुच्चय ए लिया, ए बराबर क्या 1 2 3 4 5 और 9 लिया, दूसरा बी बराबर लिया 3 7 8 9 और 10 लिया, ठीक। लेने के बाद मैंने क्या किया, आइए यहां पर भी वही हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहां पर क्या हो जाएगा मेरा आप समझ गए होंगे, यहां पर बच्चों मैं 9 कर दूंगा, और यहां पर देखें यहां पर मैंने एक और बढ़ा दिया है तो 3 7, ठीक, 8 9 हो गया। यहां पर भी यही काम करेंगे बच्चों हम, यहां पर एक और मैंने बढ़ा दिया क्या 9 बढ़ गया, और देखिए मैंने तो मीटर काम कर लिया यहां से 3 7, चलिए हो गया। आइए अब हम कैसे लिखेंगे आंसर, जरा इस पर अब खास ध्यान लगाएंगे हम। आइए तो बच्चों पहले देखें यहां से यहां तक पूरे लिखने पड़ा, देखिए 1 यहां है 1 नहीं है कोई बात नहीं लिख दीजिए, 2 यहां है 1 नहीं फिर भी लिखेंगे आप, 3 यहां भी है यहां भी है, दो बार हुआ ये, दो बार हुआ लेकिन दो बार नहीं लिखेंगे, उभयनिष्ठ है, कितनी बार लिखेंगे एक बार 3, 4 यहां है यहां नहीं है फिर भी लिखेंगे आप, 5 यहां है यहां नहीं है फिर भी लिखेंगे आप, 9 यहां भी है और यहां भी है, दो बार हुआ एक ही बार लिखेंगे। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, इधर भी इधर का हो गया 9 तक आ गया, 3 यहां लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, 7 इसके अंदर है नहीं 7 लिखेंगे, फिर क्या 7 के बाद मेरे पास क्या है ये 8 यहां है लेकिन यहां नहीं लिख दीजिए 8, कोई टेंशन नहीं है, 9 यहां भी है यहां भी है मैं 9 लिख चुका हूं नहीं लिखूंगा, कॉमा फिर क्या बच गया 10 यानी देखिए मैंने सारे अवयव लिख लिए यहां से लेके वहां तक, सर ध्यान से देखिएगा मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया इसमें मैं और क्या समझाना चाह रहा था आपको, पर देखिएगा बच्चों मैंने यहां से उठाया यहां तक सारे अवयव लिख लिए, देखिए मैंने लिख लिया
लेकिन विनिष्ट अवयव मैंने कितनी बार लिखा, एक बार लिखा। देखिए दो अवयव विनिष्ट है, कौन कौन से, तीन और नौ, तीन और नौ मैंने लिख दिया। अब देख रहे होंगे इसका क्रम गड़बड़ा गया, जरा देखिए आप, एक दो तीन चार पाँच नौ लिख दिया मैंने, ठीक, सात आठ के बाद नौ आना चाहिए था। तो क्या ये गलत है? नहीं बेटा, यह 100% सही है। समुच्चय का यह रूल जरूर है कि कोई अवयव दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक, एक अवयव को दो बार नहीं लिखा जाता, ये एकदम बिल्कुल सही रूल है। लेकिन इसका एक रूल ये भी है, क्या अवयवों को, जैसे कि ये क्रम में नहीं है, यदि क्रम में नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी वो समुच्चय है, कोई जरूरी नहीं है कि उनको क्रम में ही लिखा जाए, ठीक है, ये भी सही आंसर है। या आपका इच्छा करे आप यहाँ छोड़ दीजिएगा, कोई भी नहीं काटेगा, या आपकी इच्छा करे आप उसको क्रमबद्ध कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए कर दीजिए, 1 2 3 4 5 पद क्या आएगा, 7 8 9 और क्या 10 आइए, ये है, ये भी मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया आपके सामने, बोलिए, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया कैसे हम समुच्चयों का क्या निकालते हैं, संघ निकालते हैं। तो दो एग्जाम्पल बड़ा मैंने आपको दिया, दो समुच्चयों का संघ निकालने का, ठीक है। अब बच्चों इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है, ठीक, दो समुच्चयों के संघ की कुछ प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, उन प्रॉपर्टियों के बारे में मुझे बात करनी है, ठीक, और एक एक करके बताना है, ठीक है। जरा देखिएगा इसमें मैं पहली प्रॉपर्टी भी आपको बता दे रहा हूँ, तो हेडिंग आपका होगा। हाँ बच्चों एक बात और, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसके बाद में प्रॉपर्टी बताऊँगा। अभी मैंने आपके सामने दो समुच्चयों का संघ किया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप संघ में दो समुच्चय ही लें, आप संघ में तीन समुच्चय भी ले सकते हैं, चार समुच्चय भी ले सकते हैं, पाँच समुच्चय भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको मैं दो समुच्चयों का संघ तो बता दिया, तो एक एग्जाम्पल और दे दूं जिससे कि और क्लियर हो जाए कि तीन समुच्चय हो जाएं तो उनका संघ कैसे निकालेंगे, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात यह कि इसके बाद बच्चों मैं आपको दो समुच्चयों के संघ की प्रॉपर्टी बताऊंगा, आप अपने बुक से पढ़ भी लीजिएगा ज्यादा बेटर है। तो पहले एक एग्जाम्पल मैं और दे दूं कि यह और क्लियर हो जाए कि यदि दो से अधिक समुच्चय हो जाए तो हम कैसे संघ निकालेंगे। देखिएगा एक एग्जाम्पल आप और देख लें इसमें, जैसे बच्चों कभी कभी आपके सामने ये दे दिया, देखिए ध्यान से क्वेश्चन दे दिया, ए इज इक्वल टू 2 4 5, बी इज इक्वल, छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, बी इज इक्वल टू 4 6 8, सी इज इक्वल टू, तीसरा है 1 2 3 8 9 10। चलिए मुझे ये निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यदि ये दिया है ए बराबर, तो क्योंकि बच्चों तीन वाला भी बता दूं तो आप बहुत क्वेश्चन लगा लेंगे, और कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए देखिए बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए आपको दे दिया गया, ठीक है। तो आप जानते हैं आप ए बी सी आपके सामने ही है, सिंस ए बराबर लिख लीजिएगा 2 4 5 सोल्यूशन में है, ये बी बराबर क्वेश्चन बेटा ये लिखना चाहिए जो दिया गया है क्वेश्चन में, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये आदत पड़े, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेना चाहिए और क्या निकालना है उस पर ध्यान लगाना चाहिए। सी क्या दिया गया, 1 2 3 8 9 और 10, ठीक, निकालना क्या लिख लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकालना है। चाहे तो आप क्वेश्चन मार्क भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला तो ए ए में क्या हो जाएगा 2 4 और 5, बी में फिर यूनियन लगा दीजिए 4 6 8, फिर यूनियन लगा दीजिए, फिर क्या 1 2 3 8 9 और 10, ठीक।
ध्यान से देख लीजिए बच्चों, देखिए बच्चों, अब एक बार लिखिए, कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक बच्चों, मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ, एक बार इन दोनों का संघ निकाल लेता हूँ, सुनिए, एक बार इन दोनों का संघ निकाल लेता हूँ फिर इसके साथ संघ निकाल लूंगा, या आप चाहें तो पूरा यहां से वहां तक लिख डालिए एक बार में, चाहें तो लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है बच्चों, आप चाहें तो एक बार में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों का संघ एक साथ निकल जाएगा। लेकिन बच्चों हमें सामान्य तौर पर पहले इन दोनों का संघ निकाल लीजिए फिर इसका संघ निकालिएगा, आइए निकाल लीजिए, इन दोनों का संघ निकाल लें जरा, ठीक, आइए इन दोनों का संघ मैं निकाल ले रहा हूँ, आप चाहेंगे तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं, या चलिए देखिए, पहले मैं इन दोनों का निकाल रहा हूँ, इन दोनों में क्या है, टू हो गया, फोर दोनों में है, एक बार लिखेंगे, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर एट, ये निकल गया, मैंने इन दोनों को साथ लिया, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं, मैंने क्या टू फोर फाइव और फोर सिक्स एट को, तो टू फोर फाइव सिक्स एट आ गया, फिर यूनियन वन टू थ्री एट नाइन और टेन, ये ले लें आप, तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी क्या कर लेंगे, पूरा वन टू जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक आप चाहे ना लिख लीजिए ना, आप देखिए ना वन ये वाला आ जाएगा, मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो दो दोनों में यहाँ लिख दीजिए दो, फिर तीन यहाँ था यहाँ नहीं है तीन लिख लीजिए, चार चार यहाँ वहाँ नहीं है चार लिख लीजिए, पाँच पाँच यहाँ है, छः यहाँ है, छः के बाद क्या इसमें सात नहीं आठ, आठ यहाँ आठ यहाँ भी आठ लिख लीजिए, आठ के बाद क्या नौ लिख लीजिए और क्या दस लिख लीजिए आगे, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप चाहते बच्चों तो एक लाइन में भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपने दो का निकाला और फिर मैंने आपको किसका निकाल दिया, तीन का निकाल दिया है, तो इस बात को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि मैंने आपको तीन समुच्चयों का भी संघ निकाल के दिखा दिया बच्चों, ठीक है। एक बात और बच्चों मैं आपको बता दूं, नोट कर सकते हैं आप कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप इसको दो, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पे आप, मैं कुछ और बता रहा हूँ जरा नोट कर लीजिएगा, जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी दिया है, आप चाहें तो एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा सकते हैं, और आप चाहें ए यूनियन बी यूनियन सी दिया तो इन दोनों को भी साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपर्टी है बेटा जो कि मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, या आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, यानी कि पहले बी और सी का यूनियन निकाल करके ए के साथ निकालिए, या ए यूनियन बी निकाल के फिर सी के साथ निकालिए, तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं पहली बार। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।